बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ऑरेंज स्क्वाश बना के दिखाएंगे, जिसके लिए लिया है आधा गिलास ऑरेंज का, रियल ऑरेंज का जूस हमने लिया है। 8 टेबलस्पून हमने चीनी ली है। 2 चुटकी हमने रंग लिया है और 2 टीस्पून हमने काला नमक लिया है। एक बार फिर से सभी चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको स्क्वाश बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपना ऑरेंज जूस इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चूल्हा हम इसका आधा रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी चीनी इस जूस के अंदर मिक्स हो सके। ये देखिए, इसमें पकाना शुरू कर दिया है। हम इसको हल्के हल्के से हाथ से हिलाते जाएंगे। चूल्हा हमने इसका आधा रखा हुआ है और अब हम इसको चूल्हे को और थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अच्छे तरीके से इसके अंदर अपनी चीनी मिक्स करते जाएंगे, हिला हिला के, चला चला के। पाँच मिनट तक हम इसे आधे से थोड़े कम चूल्हे पे और पकाएंगे और हम इसे मुसलसल चलाते रहेंगे। अब हम इसके अंदर अपना 1 चुटकी कलर शामिल करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और 5 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है ऑरेंज की हमारे, और कलर आप इसका देख सकते हैं। कलर आप जब भी इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फूड कलर इस्तेमाल करें। जो सस्ती और घटिया क्वालिटी के होते हैं उनको आप ना इस्तेमाल करें। आपकी सेहत पे उससे आँच आ सकती है। इसलिए आप जब भी फूड कलर का इस्तेमाल करें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेशक आप थोड़े से महंगे फूड कलर का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन होना आपका फूड कलर बिल्कुल सेहत के मुताबिक चाहिए। 5 मिनट और हो चुके हैं इसको हल्के चूल्हे पे पकते हुए। अब हम इसके अंदर काला नमक मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे, हिलाएंगे। पाँच मिनट तक इसको और चला चला के पकाएंगे, उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा ऑरेंज स्क्वाश। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल होता ही है, लेकिन रमज़ानों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसको रमज़ानों में बना के खूब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज अभी तक आ रहे हैं। हो चुका है ऑरेंज स्क्वाश हमारा रेडी। अब हम इसको इस तरीके से करके एक कप में निकालेंगे और 2 मिनट तक इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे बना के आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बना। हो चुका है स्क्वाश हमारा रेडी। थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है हमने इसे 5 मिनट रेफ्रिजरेटर में रख के। और अब हम सबसे पहले गिलास के अंदर मिंट के पत्ते डालेंगे। उससे इसमें खूबसूरती तो आती ही है, लेकिन इसकी खुशबू भी बढ़ जाती है। अब सिर्फ 2 स्पून हम ये डालेंगे स्क्वाश एक गिलास के अंदर, और उसके बाद ठंडे पानी के डालने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे। हो चुका है ऑरेंज शरबत हमारा बिल्कुल रेडी। इसको
हल्का हल्का सा हिलाएंगे तो हो जाएगा आपका बिल्कुल रेडी। हो चुका है ऑरेंज ड्रिंक हमारा बिल्कुल रेडी। ये देखिए हल्का हल्का सा आप इसके अंदर चम्मच चलाएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हो चुका है ऑरेंज स्क्वैश हमारा बिल्कुल रेडी और है भी ये बिल्कुल रियल। आप देख सकते हैं हमने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल ज़रूर किया था लेकिन फूड कलर हमने बहुत ही अच्छा वाला लिया है जिससे ज़रा सी भी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहां कहां गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती को ताही और तारीफ़ को लिख के भेज सकते हैं क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिए।